हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके कहने से मैंने सारी किचन को खाली कर दी है और इसमें वो दीमक वाला जो स्प्रे है वो करवा रही हूँ। तो पूरी मेरे बेटे और मैंने खाली की उन्होंने किचन बनाई थी, वो ही आएंगे और इसमें सारा स्प्रे करके जाएंगे। और देखिए, दीमक ने इतना कचरा कर दिया, कुछ चूहों ने कर दिया, कुछ दीमक ने कर दिया। जाके फेंकेंगे नहीं तो ये वापस आ जाएगी दीमक हमारे। और वैसे तो मेरी तबीयत खराब थी आज, लेकिन जब हमने उनको फोन किया जिन्होंने ये बनाई थी किचन, तो वो आज तैयार हो गए आने को। तो अब फिर आज मेरा बेटा भी घर पे था तो उसने कहा चल मम्मी साफ करवा देता हूँ, सारी निकाल देते हैं सामान। सामान खूब सारा निकाला है और थक गई मैं तो। सारी जगह से निकाल दिया हमने सामान। अब आएंगे, माइक्रोवेव भी यही है, इसको भी ढक दूंगी पुराने कपड़े से। और बाकी दिखाती हूँ किचन का सामान इतना निकला है। इस बार मैंने सोचा था कि कुछ सफाई वफाई नहीं करूँगी, दिवाली मुझे मनानी नहीं थी, लेकिन ये दीमक की वजह से किचन की सफाई हो जाएगी। दिवाली में आप भी किचन का सारा जो क्लेटर है, मतलब क्लेटर होता है जो कचरा होता है, और बहुत सी चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं पूरे साल में और सोचते हैं ये भी काम आ जाएगी, ये भी काम आ जाएगी, और आता कुछ भी काम नहीं है। और इकट्ठी करते जाते हैं और फिर उसको काम में नहीं लेते, ज्यादातर मोबाइल में बैठ जाते हैं। मेरी भी यही आदत है कि मैं ज्यादातर मोबाइल में बैठ जाती हूँ। तो बस मोबाइल में ना बैठें और थोड़ा बहुत काम करें किचन का, और भी दिवाली की जो सफाई है वो करें, और जो भी कचरा है ना उसे पूरा निकाल के फेंक दें। उससे क्या है, लक्ष्मी नहीं आती है। जब हम कचरा निकाल देते हैं ना, तो एक तो मन को शांति हो जाती है कि हमारा कचरा निकल गया, और एक जो क्या है, लक्ष्मी है ना कचरे में नहीं आती है। इसलिए पहले भी मैंने आपसे कहा था साप्ताहिक सफाई करनी चाहिए हमें किचन की, लेकिन मेरी तो उम्र आ गई तो मेरा तो बहुत कचरा हो गया भाई। इतनी मेरे से सफाई होती नहीं है। जब जवान थी तो मैं 7-7 दिन में क्या डेली ही सफाई करती थी, तो इतना कचरा होता नहीं था और किचन में इतना सामान भी नहीं था, खरीदते नहीं थे ज़्यादा हम लोग। तो जो होता उसकी सफाई कर लेते थे हर साल, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ले आते थे। लेकिन अब तो क्या है कि हर साल हम कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो पुरानी चीज़ों को या तो हटा दें फिर पुरानी चीज़ों को, या फेंक दें, जो काम नहीं आ रही उनको फेंक दें, या कबाड़ में बेच दें, कुछ भी करते हैं। बाकी सफाई जब करें तो उस सारा कबाड़ निकाल दें, और दिवाली में तो कबाड़ निकालना चाहिए, इससे ही लक्ष्मी आती है। तो बस आज मैं अभी स्प्रे जब हो जाएगा इसमें, तो उसके बाद जो सामान रखने का है वो ही रखूँगी और कोई सामान नहीं रखूँगी। और जब इसको सजा दूँगी ना तब आपको दिखाऊँगी। अभी तो ये स्प्रे होगा, उसके बाद क्या है कि इसको काफ़ी देर शायद रखना होगा, वो जैसा बताते हैं वैसा करेंगे। उसके बाद इसको जमाएँगे, तो जमाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हर बार यही होता है कि करवा चौथ आती उससे पहले करते थे हम किचन की सफाई। इस बार मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन किचन की सफाई हो जाएगी, क्योंकि करवा चौथ से पहले हमेशा कर लेती थी मैं। चाय रंगाई पताई का काम है, चाय किचन का काम है, तो इसे करवा चौथ से पहले करें, जिससे कि आप करवा चौथ वाले दिन थके नहीं, आपको पानी की प्यास नहीं लगे, ऐसा काम रखें। एक दिन पहले ही सब कुछ कर लें, जिससे
आप न तो इतनी थकेंगी और न आपको पानी की प्यास लगेगी। हमारे यहाँ बिना पानी का व्रत करते हैं, इसलिए कह रही हूँ, और कुछ खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो पहले से कर लें जिससे आपका मुंह ना सूखे, नहीं तो जब हम काम करते हैं तो पूरी जीभ सूख जाती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है बहुत। तो बस किचन की सफाई करवा सबसे पहले कर लें, तो आज हो जाएगी मेरी। खैर मेरा व्रत तो नहीं, फिर भी आज हो जाएगी, तो जागृति को दिक्कत नहीं पड़ेगी और उस व्रत आराम से हो जाए। तो तुम कुछ मुंह में लगा लो। अभी क्या नशा हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्या कई देर तक गाना सुनना हो जाएगा सिर। भैया ये फोटा हटाएं क्या? कॉकरोच लग गया मेरे। हाँ बहुत है कॉकरोच। ये पानी से सड़ते हैं देखो पूरा। हाँ तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी मैं इतनी ही वीडियो मैंने बनाई है छोटी सी वीडियो।